संत शिरोमणि रविदास जन्मोत्सव समिति द्वारा शनिवार को हापुड़ में संत शिरोमणि श्री रविदास जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये यात्रा अंबेडकर पुस्तकालय शहीद राम स्वरूप जाटव मार्ग मीनाक्षी रोड से शुरू हुई, जो कि मीनाक्षी रोड से शास्त्री नगर से मोरपुरा गढ़चुंगी पक्काबाग चंडी रोड मेरठ गेट पुलिस चौकी गोल मार्केट कोटी गेट बुलंदशहर रोड मनसा देवी मंदिर होते हुए कोटला मेवतियान पहुंची और संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर पर विश्राम किया। यात्रा में लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस अवसर पर हापुड़ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान विनोद सागर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसी के साथ नरेश कुमार भाटी, सभासद विकास दयाल, विनोद जाटव बबली, यतीश, देवेंद्र जाटव, विनोद करदम आदि उपस्थित रहे। ये आज 647वां सतगुरु रविदास महाराज का प्रकाशोत्सव पूरे हापुड़ में नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और ये सतगुरु रामकृष्ण राम महाराज की कृपा है। उन हम उनके सब अनुयायी हैं, उनके प्यारे बच्चे हैं। सतगुरु रामकृष्ण राम महाराज जी हम सबकी प्रेरणा दी कि प्यारे बच्चों विकारों को दूर करो, अपने प्यारे संगत को समझाओ और उनका मार्गदर्शन करो। इन बातों पर सतगुरु राम महाराज रामकृष्ण राम महाराज जी ने ऐसा प्रकाश डाला। पूरे विश्व के अंदर संत रविदास महाराज जी 647वां वर्ष पूरे इलाकेवासी में नहीं पूरे विश्व के अंदर उसको याद किया जा रहा है। उनकी वाणी को जो गुरु संत साहब के अंदर जो 40 वाणी है और एक शब्द है संत रविदास महाराज जी का, जिसने पूरे देश को पूरे विश्व को एक प्रेरणा आइडियोलॉजी एक एंटीजन समाज को दी है, उस पर जो है पूरे समाज को एक हमारा एक संदेश है कि जो उन्होंने शब्दों के माध्यम से इस समाज को एक निर्देश दिया है कि एक आइडियोलॉजी दी है, एक इंटेलिजेंस सिस्टम को दिया है, उस पर आज तमाम महापुरुषों ने उस पर एक डायरेक्शन दी है और उस पर हमारे महापुरुष चाहे कल्पदास महाराज जी है, कैलाश महाराज जी है और तमाम महापुरुषों ने इस पर विचार विमर्श किया है और हमारे तमाम महापुरुषों ने जितने भी हमारे इलाकेवासी साथी यहाँ पर आए हैं उन्होंने भी इस समारोह में पहुँचकर किसी ने टाइम से, किसी ने ट्रेजरी से, किसी ने माइंड से उसको कोऑपरेशन किया।